आगरा में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई के दौरान किसान नेता, उद्यमी, बिल्डर्स के साथ साथ उपभोक्ताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों ने बिजली निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कुछ ने बिजली बिल और नए टैरिफ पर भी सवाल खड़े किए। गुरुवार को RBS कॉलेज ऑडिटोरियम में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अध्यक्ष अरविंद कुमार के नेतृत्व में गुरुवार को जनसुनवाई की गई। इस जनसुनवाई के दौरान किसान नेता, उद्यमी, बिल्डर्स के साथ उपभोक्ताओं ने अपनी बात रखी। यही है, किसानों के साथ में अन्याय न होना चाहिए। अन्याय यही होता है कि बगैर बताए तो कनेक्शन काट दिया जाता है, ना नोटिस दिया जाता है, ना कुछ नहीं दिया जाता है। और ना ही जब टोरेंट पावर वाले आते हैं, हमारे सिटी के अंदर भी किसान रहता है, तो उन लोगों का कनेक्शन में हमने 60 साल पहले मकान खरीद लिया, आज उनका पैसा हमारे ऊपर आ गया मकान मालिक का। बताइए हम कहाँ से दें, उसे कहाँ से ढूंढें? ये तो पहले ही रजिस्ट्री पे इनको रोकना चाहिए था। आज हम लोग कहाँ से उनको ढूंढ के दें और कैसे उस पैसे को अदा करें? नियामक आयोग उत्तर प्रदेश की एक यहाँ पे पंचायत लगी है, उस पंचायत में हमने आगरा की विद्युत समस्याओं को रखा है, जिसमें प्रमुख समस्या टोरेंट को लेकर है। किसानों पर अनाधुंध जो है पहले से ओवर बिल जो है अदायगी है, किसान पूर्ण रूप से मरा हुआ पड़ा है। हमने अभी विद्युत आयोग के अध्यक्ष जी से बात की है, उन्होंने इस पर गहन चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी इस पर करेंगे। इसमें प्रमुखता से हमने जो मांग रखी आयोग के सामने, वो प्रमुखता से ये रखी है कि जो उपभोक्ता हैं, उन उपभोक्ताओं का सरप्लस के रूप में 33,122 करोड़ रुपया बिजली विभाग पर बकाया है। तो ये मांग रखी है कि कम से कम नियत आपकी लेने में ठीक है तो देने में भी साफ रहनी चाहिए। इस दौरान 20 से ज्यादा लोगों ने बिजली निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कुछ ने बिजली बिल और नए टैरिफ पर सवाल उठाए तो कुछ ने शिकायतों पर सुनवाई नहीं होने की बात अधिकारियों के समक्ष रखी। तो इसलिए अगर ये बिल बढ़ाते हैं तो किसान तो पहले से भी टूटा पड़ा है और स्थिति दयनीय हो जाएगी। इसलिए इस टैरिफ बढ़ाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो हमारे मोहन सिंह चाहर कह रहे थे कि हमारा जो बकाया है उसको जो 6% की ब्याज से हमारे हमको वापस करें, जिससे किसानों का बकाया है। इसमें आयोग ने बाकायदा क्लियर कट एक विनियमावली बनाई हुई है, जिसमें कि नॉर्म्स निर्धारित किए हुए हैं। हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की एक ट्रेजेक्ट्री भी देते हैं कि आपकी जो हानियां हैं वो घटनी चाहिए और किस दर से घटनी चाहिए, उसका भी एक क्लियर ट्रेजेक्ट्री ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आयोग तय करता है। और अगर उसमें पूर्ति नहीं हो पाती, उस हिसाब से हानियां नहीं घट पाती और उसकी वजह से ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है या उसके खर्चे बियर करने पड़ते हैं वितरण कंपनियों को, तो वो खर्चा आयोग फिर उसको अलाउ नहीं करता है। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि आयोग का काम बिजली दरों का निर्धारण करना है। सभी विद्युत निगमों में जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं जानने के साथ ही सुझाव भी लिए जा रहे हैं। तो TMD लॉसेस में अगर आयोग के द्वारा निर्धारित ट्रेजेक्ट्री के इधर खर्चे होते हैं तो वो डिसअलाउ हो जाते हैं और वो खर्चा लोड नहीं होता है। कंपनियां अपने खर्चों के हिसाब से मांग करती हैं और आयोग उसका अपनी विनियमावली के हिसाब से परीक्षण करके और उसका डिस्पोजल करता है और इस बात पर निर्णय लेता है। लेकिन ये सब करने से पहले इस तरह की सुनवाइयां होती हैं जो टैरिफ रिलेटेड हों, जो मुद्दे होंगे उनके ऊपर हम जरूर टैरिफ ऑर्डर में उनका समाधान अवश्य करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम बनाया गया है, इस पर समस्या बताई जा सकती है। ट्रांसफार्मर जलने, बिजली कनेक्शन में देरी, बिल में गड़बड़ी सहित अन्य समस्याओं को उठाया जा सकता है। पूर्वांचल में 40 फोरम का गठन होना है, इसमें 25 का गठन हो चुका है। सी न्यूज के लिए अनिल कुमार सिंह की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।